ऐसा कोई कण नहीं जिसमें भगवत सत्ता ना हो, और ऐसा कोई क्षण नहीं जिसमें भगवत का भगवत सत्ता ना हो। आप तो सो जाते हैं, इंद्रियां मन और अहम सो जाता है, लेकिन भगवत सत्ता और भगवत कण तो रक्त संचार कर रहे, थकते भी नहीं। बाबा सबसे ज्यादा अथक कौन है? आप ही हो महाराज। बोले सबसे ज्यादा व्यापक कौन है? आप ही हो महाराज। सबसे बड़ा कौन है? आप ही हो महाराज। और सबसे छोटा कौन है? आप 10 बार कहूंगा, बैक्टीरिया में भी आप गुस्से हो। ऐसा करके उससे अपना तो जोड़ के आनंद लो, अपना हम छोड़ो, द्वेष छोड़ो, राग छोड़ो। क्या रखा है शरीर के अस्तित्व में? मेरा नाम, मेरा नाम। जन्म के पहले नाम था नहीं, मरने के बाद जिसका नाम हुआ वो हड्डियां भी पता नहीं है। दुनिया में कुछ कर जाए, अरे क्यों भ्रमित हुए हो बूंदू? क्यों परेशानी मोल ले रहे हो? क्यों विभू से विखूटे पढ़कर नाली के कीड़े बन रहे हो? हे नाक तू सुख दे परफ्यूम के द्वारा, हे मूत्र इंद्री तू सुख दे, पति पत्नियों की शरीर की तबाही हो लेकिन सुख ले। बोले तबाह हो जाते बेचारे। हे वाह भाई सुनने वाले कान, तुम तो बहरे हो जाओगे लेकिन वाह भाई की वासना नहीं मिटती। हाय हाय, भक्ति सब साधन कर मूला, जो मिले जो हो गई संत अनुकूला। भक्ति सारे सुखों की खान है, सब साधनों की मूल है। कब मिले? जब संत अनुकूल। संत अनुकूल भी तभी होते हैं जब आपके हृदय में कुछ संत अनुकूल, या तो ईश्वर की बहुत कृपा हो तो भक्ति मिल जाए, सत्संग मिल जाए, संत अनुकूल हो। तो संतों के पास जाएंगे तो धीरे धीरे वहाँ के माहौल से मन इंद्रियां बदलेगी। लेकिन चाहे उधर रहें, आदत पुरानी अपनी नहीं छोड़े, जय भी जय। और संत का ही अपमान कर देते हैं, कैसी है माया है। और वही जय भी जय कुंभकर्ण और रावण होकर झक मारते, वही जय भी जय हिरणाक्षी हिरणाकश्यप होकर दैत्य बनते और फिर मरते भगवान के हाथों से, वही शिशुपाल दंतवक्र बनते। बड़ी बड़ी विलक्षण माया, बड़ी विलक्षण लीला। बड़े भगवान को पाना बड़ा कठिन है, और भगवान को पाना इतना सरल है कि आए है। हे राम जी, फूल टहनी मसलने में परिश्रम है, अपने परमात्मा को पाने में क्या परिश्रम? कितने आघात सहते हैं, मान अपमान सहते हैं, युद्ध करते हैं, कितना कुछ दुख सहते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। खाली बस इरादा बना ले कि मेरे को ईश्वर तुझे पाना है। इरादा आप बना लो, बाकी का सारी जिम्मेदारी वो अपने आप पे ले लेता है। आप समझते होंगे बापू ने बेचारे ने बहुत तपस्या की है। अरे बापू बेचारा नहीं है, मौज मारी थी तपस्या क्या थी? चांदनी रात में हंसते खेलते थे क्या? तपस्या करी, वो भी तपस्या मान लेता है। अभी आप बोलेंगे बाबू बेचारे देखो कल उधर आज इधर इधर, अरे मौज मार रहे। बोले हमारे जैसी मौज आपके पास है ना? बस उसको अपन उसकी प्राप्ति की इच्छा कर लो, बस ईमानदारी से मौज ही मौज।
जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, का कबीर वादास का पला न पकड़े कोई। हे प्रभु, हे हरि, हे दातोर, वार वार सुमरण। चरित्र की पवित्रता, बुद्धि में सत्य का प्रकाश, सत्य ज्ञान स्वरूप है, सत्य सर्वत्र है, सत्य सदा है और सत्य सबका हितैषी साक्षी। बुद्धि में वो ज्ञान भर लो, मन में सद्भाव भर लो, इंद्रियों में चरित्र निर्माण, चरित्र सच्चरित्रता, बस हो गया काम। बाकी तू जाने बोले, तू जानो प्रभु जी, हम ऐसे हैं बस। ये तीन भी पढ़ लिए, ये आपके ऊपर हमने मेहरबानी की। तीन भी पढ़ लिया, ये आपके ऊपर कृपा किया हमने। नहीं पढ़ते तो जैसे बच्चा, हम नहीं पढ़ूंगा ये तो तेरे कहने से आठवीं पढ़ा, हम नहीं पढ़ा। हाँ, मेरे बाप मेरे पे कृपा किया तुम, ऐसे हमने तीन पढ़ लिया, प्रभु तुम्हारे पे कृपा कर दिया। फिर भी उसे अर्जी नहीं है, वो खुश होता है। ठीक है बबलू, ठीक है बबलू, बबलू प्रभु, बस प्रभु के साथ रहो। वास्तव में हो लेकिन पता नहीं, इसलिए दुख भोग रहे। वास्तव में हो लेकिन जो तुच्छ है उसको तो मैं और मेरा मानते, और जो शाश्वत है उसको समझते कहीं दूर है, दुर्लभ है, परे है, पराय है। अरे मेरे बाप, जो शाश्वत है, सुहृद है, सुलभ है, वो परे नहीं है, पराय नहीं है, दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है। मिट मिट मिल मिल के मिट जाए, उन्हीं में हेत कर दिया। जो कभी बिछड़ता नहीं उसके लिए जरा खोज कर ले, उसको जरा अपना मान ले, उसके लिए जरा थोड़ी जिज्ञासा जगा दे, मंगल हो जाएगा। मंगल तुम्हारा तो मंगल, वेदव्यास भगवान ने भागवत में पंच विषयों को बड़े दुर्गम, मनुष्य के लिए बड़े दुर्गम ये किले, इनको पार करना, देखने की आसक्ति, सूंघने की, चखने की, वाहवाही सुनने की, काम विकार की, एक एक विकार को जीतने के लिए 12-12 वर्ष का साधन भी बताया। तब कहीं मन उस विषय विकार से उपराम होता है। फिर क्या वेद व्यास के रूप में दिखते हैं भगवान वेद व्यास, पाराशर के सपूत, लेकिन वही है। बोले एतत् सर्वम गुरुर् भक्त्या, हे सब 12-12 60 साल जख नहीं मारना हो तो गुरु भक्ति से सब हो जाता है। बोले नहीं तो 60 साल तो हम वो इसी में जख मारते, एक एक इंद्रियों को जीतने में। अब जीते चाहे हारे, मरे चाहे जीए, लाखों लोग करोड़ों लोगों की इंद्रियां हार रही है जीत रही है हमारे, उसको उसका शोक मोह नहीं, ऐसे इसका भी ही अभी हमारा नहीं। तू हमारा है, वाला तू हमारा है। बोले बस उठा लिया उसने, अपने हृदय से लगा दिया। बोले ओम 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 ओम
प्रभु जी ओ हे महाराज हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त प्रभु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा, यूं भी वाह वाह, यूं भी वाह वाह, वाह वाह, भला होया, आनंद होया, वाह वाह, हे हरि हे हरि, ओम ओम। ढूंढने पे भी, सूरज को ढूंढने पे भी अंधेरा नहीं मिलेगा, ऐसे ही जिसको पराभक्ति मिल गई उस प्यारे की, उसको ढूंढने पे भी दुख नहीं मिलेगा। होए पालसी मलेरिया हो गया, हेमोग्लोबिन 7 हो गया, और अंग्रेजी दवाओं का रिएक्शन ने भी आर पार की लड़ाई दिखा दी। चिड़िया चें करे तो मानो एक तलवार लग गई, ऐसी पीड़ा, न बैठ सके, न उठ सके, न उठ खड़े रहने में अच्छा लगे, न लेटने में, बस क्या बेचैनी बेचैनी। शरीर की तो दुर्दशा थी, मैं कह किसको हो रहा है, तो बहुत हंसी आवे बोले, ऐसी हंसी आती थी। अभी हंसी रहा हूं, ऐसी पीड़ा के समय हंसी। तो दुख पीड़ा आपत्ति भगवान के आगे कोई माना नहीं रखती। पीड़ा तो ऐसी थी कि भगवान, प्रसूति की पीड़ा कुछ भी नहीं है, जैसे माइग्रेन के बाद होता है टाइजेरिया, वैसे कुछ बोलते वो वेबसाइट वाले बताते, इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती। लेकिन मेरे को जो रिएक्शन के वक्त और ये सब मिलके हुआ था, उससे बड़ी तो कोई पीड़ा शायद मेरे समझ में नहीं आती। लेकिन ऐसी बड़ी पीड़ा में भी जरा सा याद करें कि किसको हो रहा है, शरीर को हो रहा है, हम तो उसे न्यारे हैं। कितना गीता का दिव्य ज्ञान, कितना वैदिक दिव्य ज्ञान, कितना मनुष्य की महानता का खजाना खोल रखा है शास्त्र। ओम ये दे दे हे देवता, ये दे दे, वो बदली हो जाएगी उसकी तो, वो देगा तो भी तेरे देवता के बल से देगा, पागल के गन। ये फलाना देवता ये दे दे, देखो मैं तो अभी तुमको पागल बोल देता हूँ, पहले तो पीपल देवता को मैं तेरे फिरता, उनकी डालियों की चंपी करता, हरि ओम ओम, हरि ओम ओम करके आलिंगन करता, बड़ा अच्छा लगता था। अब पता चल गया गुरु कृपा से कि ओहो वही का वही था, अपना ही अदाय होता, ज्ञान के बिना भोग नहीं होता। जीव पर सारा सलोना आए उसका ज्ञान होगा तभी मजा आएगा, खट्टा खारे का ज्ञान होगा तभी उसका मजा आएगा, ये हमारा हितेशी उसका ज्ञान आएगा तब देख के मजा आएगा, बिना ज्ञान के भोग नहीं होता। तो वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान स्वरूप ईश्वर को ही हम भोग भी रहे हैं और ईश्वर से ही भोग रहे हैं। यहाँ भी ईश्वर सत्ता है और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान में भी ईश्वर ही, अनेक लीला, जैसे स्वप्न दृष्टा आप ही रेलगाड़ी बन जाता है, आप ही पैसेंजर बन जाता है, आप ही स्टेशन और जंक्शन, मुंबई नो हलवो, मुंबई नो हलवो, ए भाई हलवो सुबह हो जाए, अरे मैं लई लोने ऐसी गाड़ू तो सारू 75 आप चलो गाड़ी जाए लेता के उसके ठीक ठीक स्टेशन मुझे मुंबई नो हलवो नड़ियाद ना कोटा खाई ले भरूच सिंह खाई ले और सपने में भरूच भी तू ही बन गया और नड़ियाद भी तू ही बन गया, नड़ियाद के गोटे भी तू ही बन गया और खाने वाला दूसरा आया क्या हो तू ही खा रहा बने जान गए बलमा पहचान गए गाड़ी आगे चली गई
आबू रबड़ी पूड़ी ले ले, आबू की रबड़ी पूड़ी मशहूर है। अजमेर अजमेर का दूध मीठा भाई, ओ भाई दूध मीठा, सिंधी साईं बोले ए खीर मिठो दादा, अजमेर जो खीर मिठो। ऐसे फुलेरा जंक्शन आया दिल्ली में, क्या क्या देख, एक ही स्वप्न दृष्टा, क्या क्या बन जाता है, क्या तेरी लीला, ए प्रभु ए देव, ए ज्ञान स्वरूपा चैतन्य रूपा। बस उसका महिमा विचारते विचारते चुप हो गए, तो बात ठहर गए, जैसे रात्रि को चुप हो जाते ना, थकान मिट जाती है, ऐसे उसके प्रेम में चुप हो जाए, जन्म मरण की थकान का पर्दा खुल जाता, धड़ाक से तुम ब्राह्मी स्थिति आ जाती है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके। ऐसा नहीं कि मोह सुबह ना ठग सके, मोह रात को ना ठग सके, मोह अमावस्या को ना ठग सके, कभी ना ठग सके, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। हे मेरे प्रभु, हे मेरे साई, हे मेरे भगवानों के भगवान, लीलाशाह जी भगवान, मांगने तो आए थे कुछ और दे डाला कुछ, मांगने तो आए थे चलो शिव जी का दर्शन करा देंगे, लेकिन शिव जी जिससे शिव जी है वही मेरा अपना आपा है, वो दे डाला बोले। ले तू शिव जी, मांगने तो आते ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, छोटी छोटी चीजें, लेकिन सत्संग में इधर उधर घुमा फिरा के वही दे देती हूँ। हो दाता तू सुहृद भी है, उदार भी है, दानी तो कैसा, राजा तो क्या दान करेगा, सेठ का बच्चा क्या दान करेगा, करण भी क्या दान करेगा, चीज वस्तुओं का दान करेगा, अपनी अपने कवच का दान कर देगा करण, लेकिन भगवान तो अपने आप का ही दान कर देते हो। सबसे बड़ा दाता देखो तो तू ही है, इतने दाताओं में जो दानवीरता है वो तेरी है, दाताओं में जो दानवीरता है वो तेरी सत्ता है, तेरी महिमा है, बुद्धिमानों में जो बुद्धि है, अरे वो बोले 17 तारीख रात को 2 बजे बरसात की बूंदों के बीच बैटरी डाली चमचमाता, ए मकड़ी जाला बना के बैठी, ओए होए, ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद देवा ओम, सद्बुद्धि दाता ओम, जो उसके तरफ चल देता है ना, उसकी मति गति कोई माप नहीं सकता, एक दिन चाणक्य ने कहा सम्राट चंद्रगुप्त मैंने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की, तुम्हें राज सिंहासन पर आसीन कर दिया, तुम्हारे साथ भी मैं रहा, अब तुम एक मेरी इच्छा पूरी करोगे। चंद्रगुप्त चकित हो गया, हाथ जोड़कर, गुरुदेव हम सब आपके किंकर हैं,
सारा राज्य आपकी आज्ञा में है, आपको मांगने की क्या आवश्यकता पड़ी? बोले नहीं, पहले तुम वचन दो, मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूरी की, अब तुम मेरी एक इच्छा पूरी करने का वचन दे दो। गुरुजी नहीं बोले, ये बात नहीं है, वचन दे दो तब कहूंगा। हाँ बोले जी, गुरुजी आज्ञा कीजिए, वचन है। बोले तुम्हें पता होगा जब मैं आया था ना इस राज्य में, तुम्हारे राज्य में मैंने अपना एक कंबल, एक डंडा, एक लोटा जमा करवाया था, वो मुझे दिला दीजिए, अब मैं एकांत अरण्य में जाऊंगा, तुम्हारे महलों से मेरा कोई वास्ता नहीं। बेटे है, क्या महापुरुष लोग इन, तुम्हारे महलों से मेरा कोई वास्ता नहीं, मेरा जीवन कुछ एक लोटा, एक कंबल, एक डंडा मेरे को दे दीजिए। और मुझे अपनी कुटिया भेज दी, जंगल चले। हो ये धंधा चल जाए, वो धंधा चल जाए, कौन से ख्वाबों में खेल रहे हो? आखिर क्या, कितना भी हो गया, आखिर क्या? ततः किम, गा लेते हैं शरीरम सुरूपम धन वैभव हो ये हो, ततः किम ततः किम। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। श्रद्धा शास्त्र विधि से होती है तो ब्रह्म विलास तक पहुंचाती है, श्रद्धा मनमानी होती है तो भूत भैरव में बड़े पीर में रुका के जीवन भटका देती। कर्म का फल कर्म नहीं देता है, कर्म तो कृत है, किया जाता है और जड़ है, कर्म का फल देने वाला चैतन्य ईश्वर है। और वही ईश्वर जिसमें स्थापना करे, ये देवता मेरा कर्म का फल देगा, तो उस देवता के द्वारा भी वो ईश्वर के अंश काम का फल देगा। तो फुटकर चपरासियों को रिझा रिझा के थक जाओगे, सबके बापों का बाप ही बैठा है उससे पालो बस हो गया। यहाँ तो साक्षात परमात्मा निर्गुण निराकार है, जो चाहे आकार को साधु प्रत्यक्ष देव, जिसने परमात्मा को अपने आत्म रूप में जाना है वो प्रत्यक्ष भगवान है। बोले मुझे तो लीलाशा भगवान मिल गए, पहले तो अलग अलग भगवानों की खूब उपासना की, नाक रगड़े, जब सदगुरु भगवान मिल गए सब भगवानों को रख दिया। अभी कोई मेरी कुटिया में अगर कोई भगवान होगा तो मेरे गुरु भगवान का चित्र होगा, नहीं तो बिना चित्र भी मेरा भगवान अब मेरे से अलग नहीं हो सकते। हे हरि हे प्रभु, ओम 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 ओम। मालूम पड़ने से ही भोग होता है और भोग से ही सुख होता है, तो ज्ञान से ही मालूम पड़ेगा, ज्ञान से ही भोग होगा, ज्ञान से ही सुख होगा। अभी तुम लोग जो सुन रहे हो, हिंदी भाषा कत्ती न जानता हो अथवा बहरा हो निपट निराला, उसको वो सुख नहीं मिलेगा। माहौल के आंदोलनों का भले उसे पुण्य हो, लेकिन तुम्हारे को ज्ञान से सुख मिल रहा है। फल
वस्तु से व्यक्ति से नहीं होता। कुर्सी मिल गई उससे वो फल नहीं है, लेकिन कुर्सी का सुख का फल हृदय में वही फल है। चीज वस्तु पड़ी है वो फल नहीं है, लेकिन उससे हृदय में जो होता है सुख वही फल है, अथवा दुख वही फल है। तो जब हृदय से ही सुख और दुख का फल का ऐसा, तो हृदय को ही ऐसा बनाओ कि भगवान मैं हो जाए, काहे को झंझट में पड़ो, बड़ा सौदा कर लो। विष्णु पुराण में आता है, समत्वम आराधनम अच्युतस्य, सारी आराधना अच्युत की। कैसे हो? समता ही भगवान की आराधना है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, वर्षाम न निंदे तद्व्रतम, वर्षा की निंदा ना करो। वाह वाह, ग्रीष्म न निंदेत, ऋतुम न निंदेत, लोकान न निंदेत, पशुम न निंदेत तद्व्रतम, पक्षिम न निंदेत। ये चेचे कर रहे, वाह क्या चिरचिराहट है तेरी लीला है। पहले तो होता था चिड़ियों का चेचे होता है आंखें बंद करके, अब पता चला कि अरे वो योग नहीं था, वो तो मन की धारणा थी। योग अब है कि वाह 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 वाह, बुद्धि में सत्य का ज्ञान, सत्य का प्रकाश, इंद्रियों में सच्चरित्रता, मन में सद्भाव, अरे ईश्वर को अपना मानो, सौंप दो उसको, बस हो गया। ज्यादा झंझट में पड़ो ही मत, तीसरी पढ़े तो पढ़े, नहीं तो नहीं जाना। हम गए तो टाइम बिगाड़ा 3 साल। हरिओम हरिओम, ऐसा आथा खजाना है। डॉक्टर ने 16 साल बिगाड़ा, 18 साल बिगाड़ा, 18 साल बिगाड़ने के बाद भी संभल गए इधर आए। 3 साल बिगाड़े, 18 साल बिगाड़ने वाला इधर आ गया। कोई 21 साल बिगाड़ क्या बोले। ईश्वर के सिवाय न जाने कितने जन्म बिगड़ गए। हे हरि, कितनी उपलब्धियां बिगड़ गई, क्योंकि आप शाश्वत हो। शरीर वस्तु और उपलब्धियां नश्वर है, आप नित्य हो, शरीर उपलब्धियां अनित्य है। आप सुख रूप हो, ज्ञान रूप हो, चैतन्य रूप हो, उपलब्धियां तो संभाल संभाल के थक जाओ। बुद्धि में सत्य का निश्चय हो, सत्य एक परमात्मा है। चित्त में समता हो, मन में भगवान का प्रेम हो, अपना तो और मन में सद्भाव और आचरण में पवित्रता हो, बस मौज हो गई मौज। और भगवान में 3 बातें ऐसी है कि और कहीं नहीं मिलेगी। एक तो वो मरेगा नहीं। मरेगा, ब्रह्मलोक मर जाएगा, ब्रह्मा जी मर जाएंगे, वो नहीं मरेंगे, इंद्र मर जाएंगे, भगवान मरेगा नहीं। दूसरी बात क्या है? बिछड़ेगा नहीं, हमारे से अलग होके बिछड़ के दिखावे। महाराज आप मरोगे नहीं, बिछड़ोगे नहीं, और बेवफा नहीं बनेगा। ओहो, मरेगा नहीं, बिछड़ेगा नहीं, बेवफा नहीं बनेगा।
और शरीर संसार, शरीर और संसार मरेगा, शरीर और संसार बिछड़ेगा और शरीर और संसार बेवफा बनेगा। इनके पीछे जग काय को मार रहे, थोड़ा बहुत दो टाइम बाकी तो उधर, जो मरे नहीं बिछड़े नहीं बेवफा नहीं हो उधर को समय दो। ये खाली लिख दो ना अपनी दीवारों पे, भगवान मरेंगे नहीं बिछड़ेंगे नहीं और बेवफा नहीं होंगे, शरीर और संबंध मरेंगे बिछड़ेंगे और बेवफा होंगे। बेटा बाप से बेवफा हो जाता है, पत्नी पति से, पति पत्नी से बेवफा हो जाता है, मित्र मित्र से बेवफा होता है। अरे अपना शरीर तो बेवफा होता ही रहता है, कितना खिलाओ पिलाओ दुलाओ समझाओ सलाओ फिर भी देख रहे मोहताज हो गए लोग उठा के ले चलो राम बोलो भाई राम बोले ए बेवफा कन्या शरीर तो है बेवफा, कितना घी चुरा के भी खाओ तो भी बेवफाई नहीं छोड़ेगा। बेवफा के लिए चोरी क्यों करो, साहूकार से मांग के ले। बेवफा के लिए अपने को मलिन क्यों करो, किसने बताया किसने बताया, बताने वाले को पैर धो के पियो कि मेरी गलती निकालने के लिए बड़ी कृपा की। गलती को ढकने वाला डुबाता है अपने को, गलती कोई निकाले तो खुश होना चाहिए उस पर, भाई साहब आपने बड़ी कृपा किया। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। पराभक्ति किसको मिलती है, वैधि भक्ति, अनुरागा भक्ति, वशिकारवत भक्ति, ये ठीक ठीक है, लेकिन पूर्णता तो होती है पराभक्ति। मद भक्ति लभते पराम, पराभक्ति के बाद तो क्या जीवन है, ये तो वो भगवत जीवन हो गया पराभक्ति।